डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमीजीनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में क्लास 8 में टाइप ऑफ डेटा एंड मेजरमेंट स्केल की। इसमें हम बात करेंगे नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल की बात करेंगे। और इसमें दोस्तों पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद में 2012 से लेकर अभी तक जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं वो सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए हमारे टाइप ऑफ डेटा और मेजरमेंट स्केल के अंदर मुख्य रूप से चार तरह के स्केल है, और वो है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। मैं आपको इनको याद करने का तरीका बता दूंगा और आपको बताऊंगा एग्जाम में क्या चीज़ पूछी जाती है और आपको क्वेश्चन में किस चीज़ पे ध्यान देना है। अगर आप मैं जो चीज़ें बताऊंगा उन पे आप ध्यान देंगे तो केवल 5 से 10 सेकंड में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नॉमिनल स्केल की बात करते हैं, इसको हम किस तरह से पहचानेंगे और इसकी क्या खास बात है। देखिए इसमें क्या है कि नंबर असाइन टू रनर, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर हमें जो भी चीज़ दी हुई होती है उसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने फॉर्म में देखा होगा मेल फीमेल, हम फॉर्म भरते हैं, अगर आप मेल है तो एक पे टिक कीजिए, अगर आप फीमेल है तो दो पे टिक कीजिए, अगर आपकी कैटेगरी एससी है, बीसी है, जनरल है, तो अलग अलग वहाँ पे नंबर दिए हुए होते हैं 1, 2, 3। तो वो क्या होता है कि हमारे पास जो भी कैटेगरी है, जो भी नाम है, उसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे 3 रनर है और ये मान के चलते ये सुनील है, ये राजेश है और ये है हमारा रमेश है। ठीक है, ये राजेश है, ये रमेश है, इसको आप कुछ भी लगा लीजिए, जैसे कि संदीप लगा लीजिए, इसको कुछ भी लगा लीजिए जो आपको लगाना है। अब देखिए जो सुनील है, सुनील को 7 नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, राजेश है, राजेश को 8 नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे जो सुरेश है, सुरेश को 3 नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि जो भी चीज़ें होती है हमारे यहाँ पे उसको नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनल स्केल बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों हमारा ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल के अंदर क्या होता है, रैंक ऑर्डर ऑफ विनर। अब यहाँ पे जो भी बंदा मतलब रैंकिंग में आया है उसको रैंक ऑर्डर दिया जाएगा, जो भी फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, उसको ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए जो जैसे सुनील है, सुनील तीसरे नंबर पे आया है रेस के अंदर, जो रमेश है, रमेश दूसरे नंबर पे आया है, और जो ये हमारा है सुरेश है, सुरेश तीसरे नंबर पे ये आया है, इसकी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है इसकी। तो इस तरह से यहाँ पे इनका रैंक डिसाइड किया जाएगा, इसका फर्स्ट रैंक है, इसका सेकंड रैंक है, इसका थर्ड रैंक है। यहाँ पे हम ऑर्डर या फिर रैंक डिसाइड करते किसी भी बंदे का। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इंटरवल स्केल की बात करते हैं। इंटरवल स्केल के अंदर हमें एक स्केल दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि इसका इस स्केल के अंदर कौन सा स्थान है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 से लेके 10 तक यहाँ पे स्केल दे दिया और इसमें बताया कि जो हमारा सुनील है, सुनील के 8.2
टू स्केल के अंदर ये लाई करता है, इसके बीच में ही आता है। और इसके जो नंबर बने हैं 9.1 स्केल के अंदर आता है ये, और ये 9.6 के अंदर आता है। इसी तरह से जैसे मान के चलिए हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में हमारे पास ग्रेड होता है ना, वो हमसे पूछे भाई आपकी कितनी ग्रेड है, हम बताते भाई सर हमारी ग्रेड 7.5 है, हमारी ग्रेड 8 है, हमारी 6.5 ग्रेड है। इस तरह से हमें ग्रेड दी जाती है एग्ज़ाम के अंदर, और वो ग्रेड किस में से होते हैं, 0 से लेके 10 के अंदर से ग्रेड हमें मिलती है। और एक्चुअल में हमारे नंबर कुछ और हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए किसी के टोटल 500 में से हो सकता है 435 नंबर आए, ठीक है, 500 में से हो सकता है उसको 300 नंबर आए, लेकिन ये नंबर होते ये अलग होते हैं और जो ग्रेड होते हैं वो अलग होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रेशो स्केल की, बात करते हैं रेशो स्केल के अंदर जो चीज़ एक्चुअल में है वही चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है। अब ये जैसे सुनील है, सुनील 15.2 मीटर दौड़ा रेस के अंदर, और आगे हम बात करते हैं जैसे रमेश है, रमेश 14.1 मीटर दौड़ा, और ये जो सुनील है और ये या फिर सुरेश लगा लीजिए, ये 13.4 मीटर रेस के अंदर दौड़ा। और यही चीज़ अगर हम अपने एग्ज़ाम के अंदर देखें दोस्तों, एक मिनट रुकिए मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। अब जैसे मान के चलते हमारे एग्ज़ाम के अंदर ग्रेड आए हैं 6 पॉइंट, मान के चलिए हमें एग्ज़ाम में ग्रेड आए 6 ग्रेड आए हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हमें एग्ज़ाम में 6 ग्रेड आए हैं, 10 में से 6 ग्रेड आए हैं। और नंबर की अगर हम बात करें, अगर हमसे कोई पूछ ले भाई मेरे को ना ग्रेड व्रेड से नहीं मतलब, तो नंबर बता नंबर कितने आए हैं, तो हम उसको बताएंगे भाई हमारे 300 नंबर आए हैं एग्ज़ाम के अंदर। जब हम उसको एग्जैक्ट चीज़ें बताते हैं भाई मेरे 285 नंबर आए हैं, जो एग्जैक्ट चीज़ हम उसमें बताते हैं, तो वो क्या होगी हमारी रेशो स्केल होगी। अब जैसे हम किसी का वेट तोलते हैं तो हम उसको ये नहीं कहते कि लगभग 500 ग्राम है इस चीज़ का वेट, जो एक्चुअल में वेट है वो एक्चुअल में बताते हैं। हम किसी से पूछते हैं समय कितना हुआ है, तो हम बताते हैं 12:28 हुए हैं, तो एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो इसमें बताई जाती है रेशो स्केल के अंदर, ठीक है। टाइम टू फिनिश इन, तो ये चीज़ है दोस्तों इसमें। और इसको थोड़ा और अच्छे वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नॉमिनल स्केल के अंदर हम बात करते हैं जेंडर की, बात करते हैं रिलीजन की, बात करते हैं, ये एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे जेंडर मेल या फीमेल, मेल फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे एक या दो से। रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, हम फॉर्म में फिलअप करते हैं ना, तो ये हो गया, पोस्ट कोड हो गया, एथनिक हो गया। इस तरह से अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर के अंदर सेटिस्फिकेशन में हम पूछते हैं कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, तो हम बोलते हैं आपकी सर्विस हमें अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, नॉर्मल लगी, ख़राब लगी या बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, तो इस तरह से हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑर्डर में देखो एग्ज़ाम ग्रेड आ गया, एग्ज़ाम ग्रेड के बारे में बता दिया कि आप, और फिर उसमें पोजिशन इन क्लास, क्लास में पोजिशन हमने बता दी भाई हमारी पोजिशन 10वीं पोजिशन है, हमारी 4थी पोजिशन है, 2री पोजिशन आई है। फिर हम बात करते हैं इंटरवल स्केल की, बात करते हैं इंटरवल स्केल के अंदर एक इंटरवल होता है, जैसे कि ये टेम्परेचर का यहाँ पे दिया हुआ थर्मामीटर होता है डॉक्टर के पास, यहाँ पे इस तरह से उसमें इस तरह से कट लगे हुए होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि इन इन सभी के बीच में जो इंटरवल है वो बिल्कुल इक्वल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें होती है इंटरवल के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं रेशो स्केल, रेशो स्केल के अंदर जो हमारी चीज़ एक्चुअल होती है वही चीज़ इसमें दिखाई जाती है। अगले व्यक्ति की जो हाइट है एक्चुअल में वो बताई जाएगी, 5.31 है तो वही बताई जाएगी। वेट अगर किसी का जितना है उतना बताया जाएगा, टाइम एक्यूरेट बताया जाएगा, इसमें जो चीज़ है एक्चुअल में वही चीज़ इसमें बताई जाएगी, ठीक है। तो और अभी इसमें जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको बताने वाला हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। देखिए नॉमिनल स्केल के अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं, जैसे मेल फीमेल हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, रिलीजन हो गया, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, इसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है चीज़ों का। और उसके बाद में दोस्तों ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम बात करते हैं जैसे क्लासिफिकेशन भी होगा इसमें, ऑर्डर भी होगा। जैसे हम बात करके चले भाई सुनील है, सुनील का कौन सा नंबर आया है, सुनील का है 3rd नंबर आया है। रमेश है, रमेश का कौन सी पोजीशन आई है, 1st पोजीशन आई है। तो वहाँ पे क्या है कि हम क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं और वहाँ पे ऑर्डर भी डिसाइड कर रहे हैं बंदे का, भाई इसका कौन सा ऑर्डर आया है। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये ऑर्डिनल हो जाएगा। आप इसको नाम से भी समझ सकते हैं, जैसे नॉमिनल के अंदर क्या होता है, नाम जो नॉमिनल के अंदर
क्या होता है, नाम को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, एन 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 आ गया। नॉमिनल स्केल में जो भी हमारे पास नाम है उसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सुनील का नाम है उसको एक से रिप्रेजेंट कर दिया, सुरेश का नाम उसको दो से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसी तरह से ऑर्डिनल के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें ऑर्डर डिसाइड करते हैं हम, बंदे का ऑर्डर एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, कौन से नंबर पे उसकी पोजीशन आई है। ऑर्डिनल स्केल में हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं। एन से एन 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 हो गया, ओ से ओ हो गया। अब इंटरवल के अंदर हम बात करें तो इन इंटरवल के अंदर इक्वल यूनिट्स होती है, जैसे एक से लेके दस हो गया, दस से लेके फिर बीस हो गया, बीस से लेके तीस हो गया। तो सभी के अंदर जो है जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन दोनों के अंदर सेम रहेगा, सभी में दस 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 का डिफरेंस इसमें रहेगा। तो ये हो गया हमारा इंटरवल स्केल। और इंटरवल स्केल में क्लासिफिकेशन भी होता है, ऑर्डर भी होता है और इक्वल यूनिट्स भी होती है। ये तीनों स्केल इसके अंदर होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्केल में, पिछले यूनिट पिछले स्केल की खूबियां उसमें आती जाएगी। फिर हम बात करते हैं दोस्तों रेशो स्केल। रेशो स्केल के अंदर हमारा क्लासिफिकेशन भी होता है, ऑर्डर भी होता है, इक्वल यूनिट्स भी होती है और एब्सोल्यूट जीरो भी इसमें होती है। एब्सोल्यूट जीरो मतलब एब्सोल्यूट चीज़ें इसके अंदर बताई जाती है, जो एक्चुअल में वो इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि आपका ये फंडा क्लियर हो जाए। तो अभी हम क्वेश्चन लगाते हैं इससे रिलेटेड और देखते हैं आपको कितना कुछ आया है और कितना नहीं आया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्केल पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल। ऐसा कौन सा स्केल है जिसके अंदर सभी स्केल की विशेषताएं होती हैं, तो उसको कौन सा स्केल बोलते हैं दोस्तों। अभी हम करके आए हैं रेशो स्केल, हम करके आए हैं, है ना। तो रेशो स्केल के अंदर पिछले स्केल की सारी विशेषताएं इसमें होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए, द काइंड ऑफ नंबर विच डू नॉट रिप्रेजेंट अमाउंट, व्हाट इंस्टेड रिप्रेजेंट काइंड, डिफरेंट क्वालिटी टाइप और कैटेगरी। ऐसा कौन सा स्केल है जो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम किस तरह का स्केल हम बोलेंगे। अभी हमने बात की थी ना, जिसमें कैटेगरी कैटेगरी जैसे मेल फीमेल हो गया, SC BC जनरल कैटेगरी, और आपका रिलीजन क्या है, वो किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमारा नॉमिनल स्केल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें हमें मैचअप करना है। अब देखिए नॉमिनल स्केल है, नॉमिनल के अंदर मैंने बताया था कि नॉमिनल के अंदर नाम एन 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 आएगा, नॉमिनल के अंदर जो नंबर है उसको नेम जो है उसको नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नॉमिनल के अंदर आ गया हमारा क्लासिफिकेशन आ गया। ऑर्डिनल के अंदर मैंने बताया था, ऑर्डिनल में ऑर्डर डिसाइड करते हैं, तो ऑर्डिनल में क्लासिफिकेशन और ऑर्डर आ गया। इंटरवल के अंदर ये तीनों चीज़ें आएंगी, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर और इक्वल यूनिट्स आएंगी। फिर रेशो स्केल के अंदर पिछले स्केल की सारी खूबियाँ इसमें आ जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारा, इसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल के अंदर क्या होता है, ये देखिए सॉरी, नॉमिनल स्केल के अंदर, ऑर्डिनल के अंदर क्या होता है, हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ का, और नॉमिनल के अंदर होता है हमारा क्वेश्चनायर और इंटरव्यू। अब देखिए जब हम किसी का क्वेश्चनायर भरवा रहे हैं, भाई आप कौन से राज्य से हैं, वो कहेगा दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, जो वो राज्य भरेगा उसके आगे नंबर लिखा हुआ होगा, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। इसी तरह से उससे पूछेंगे आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो बताएगा पाँचवीं क्लास में, दसवीं क्लास में, बारहवीं क्लास में, तो उसके आगे उसमें नंबर लिखा हुआ होगा। तो जो क्वेश्चनायर और इंटरव्यू है वो आएगा हमारा नॉमिनल स्केल के अंदर। और उसके बाद में हम बात करें जैसे फ्रीक्वेंसी और स्पीड टेस्ट की, हम बात करें स्पीड, किसी चीज़ की स्पीड बतानी है हमें, भाई आपका जो बाइक है वो किस स्पीड से कितनी एवरेज देता है वो बताएगा, भाई जब मेरा बाइक 65 की स्पीड से चलता है तो इतनी एवरेज देता है, ये देता है, तो वो पूरे एक्यूरेट चीज़ उसमें बताई जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेशो स्केल हो जाएगा। अब देखिए ए का 4 आ रहा है इसके अंदर, ए का 4 आ रहा है इसके अंदर, और डी का आ रहा है 1, डी का 1 किस में, ये रहा हमारा, तो राइट आंसर हमारा यहाँ से ये निकल जाएगा। अगर आपको कई बार इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें चारों ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता हो, तो आप दो ऑप्शन का मैचअप करके भी आंसर दे सकते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, ये देखिए ये 2021 में आया है, नॉमिनल, ऑर्डिनल,
स्केल, नॉमिनल स्केल के अंदर हम किसकी बात करते हैं, ये देखो कैटेगरी की बात करते हैं, ये देखो ए का फोर हो जाए यहाँ पे। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के अंदर हम किसकी बात करते हैं, रैंकिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब इन दो को मैच कर लीजिए, बस यहीं से आपका काम बन जाएगा। ए का फोर है, ए का फोर किसके अंदर है, ये रहा। बी का थ्री है, थ्री ये रहा, ये रहा इसमें। तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें ये देखिए, ये है हमारा ए ट्रू जीरो पॉइंट इज फीचर ऑफ, ए ट्रू जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट की बात किसमें हम बात करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो की बात किसमें करते हैं, तो वो है हमारा रेशो स्केल है दोस्तों। रेशो को और जीरो को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए जीरो के अंदर लास्ट में क्या आया है, जीरो के अंदर लास्ट में आया है जीरो, देखो जेड ई आर ओ, इसमें भी ओ आया है और रेशो में भी क्या है, ओ आया है। तो ओ से ओ मिल गया, यानी कि रेशो स्केल में जीरो की हम बात करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, और सभी क्वेश्चन एक वीडियो में करवा पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। अगर आपको स्टडी नोट्स चाहिए और ये क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको, तो ये ले सकते हैं आप, हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना निमिज नेट। इस ऐप में दोस्तों हमने 2012 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर के क्वेश्चन हमने यूनिट वाइज और सब टॉपिक वाइज अलग अलग किए हुए हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे आप अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, और उसमें हमारा पेड कोर्स है वो जरूर ज्वाइन करना जी। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। और अब भी आप मेरे को बताना, जो दूसरे स्केल है हमारे लाइकर्ट स्केल हो गया, सुमेटेड रेटिंग स्केल हो गया, गुडमैन स्केल हो गए, क्या उन स्केल पे भी हमें वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं जी। तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।